ओके तो इस वाली वीडियो में चलिए हम बात करते हैं कि कैसे आप यूज़र एक्सेस को मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। यूज़र एक्सेस इन द सेंस कि देखिए ये जो डिवाइसेज हैं लाइक दिस राउटर इज देयर, है ना। अब इस राउटर का एक्सेस कौन ले रहा है, क्या कर रहा है उसके साथ, है ना। तो ये सारा एक्सेस अगर आपको सोचिए नॉर्मली, जैसे मैं इस राउटर की बात करूँ, एक पासवर्ड आपने लगाया ना, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोबारा से। तो यस मान लीजिए ये आपके पास एक राउटर है ना। तो अब हो सकता है एक एंटरप्राइज में ना 20 इंजीनियर्स हों, जूनियर इंजीनियर्स, जो अलग अलग लोकेशंस और अलग अलग टास्क को मैनेज कर रहे हैं, राइट। किसी को कुछ अथॉरिटी है, किसी को कुछ अथॉरिटी है। अब नॉर्मली हम देखिए राउटर को प्रोटेक्ट करते हैं कंसोल का पासवर्ड लगा के, राइट। तो आपको पता है कंसोल का पासवर्ड कैसे लगाते हैं, थर्ड मोड में ग्लोबल मोड में जाइए, लाइन कंसोल 0 कमांड यूज़ करिए और फिर वहाँ पर आप पासवर्ड डालिए। तो एक बार बता देता हूँ मैं, इनेबल कॉन्फ, और यहाँ पे आपको जाना है लाइन कंसोल 0 में। अगेन आप पासवर्ड यूज़ करते हैं, मान लीजिए 123, और अभी आपने क्या किया, जनरली अभी तक हमने देखा लॉगिन करते हैं, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, फिर एग्ज़िट करते हैं, मान लीजिए मीन्स वन टाइम, फर्स्ट टाइम की बता रहा हूँ, आपसे पासवर्ड पूछता है ना, जब भी आप कभी भी कंसोल केबल लगा के एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अभी आपने एक्सेस कर लिया, ठीक है, पर अभी क्या पता चला उन 20 यूज़र में से कौन एक्सेस कर रहा है, नहीं ना। कोई भी आके कंसोल केबल लगा के और पासवर्ड डाल के एंट्री कर सकता है। और अगर आप सबको पासवर्ड दे देते हो तो फिर आप ये नहीं मैनेज कर पाओगे कि ठीक है कि जो चेंजेस किए हैं कॉन्फ़िगरेशन में वो किसने किए हैं, राइट। तो इसके लिए आप क्या करते हैं फिर कि भाई अलग अलग करिए कोशिश कि एक इंजीनियर को अलग पासवर्ड दें, अलग एक्सेस दें, ताकि वो सिर्फ वही काम कर पाए जिसकी अथॉरिटी उसको मिली है, जितने लेवल ऑफ राइट्स उसको मिले हैं। तो वो सब कैसे कर सकते हैं, देखिए हम, मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो ग्लोबल कंसोल पासवर्ड वाला काम है उसमें यूज़र एनोनिमस रहता है, मतलब नहीं पता कर पाते हैं कि आप किसने क्या किया है, इसलिए इंडिविजुअल पासवर्ड हम लगाते हैं, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ लॉगिन लोकल, इसकी हेल्प से। तो ये क्या है, आपकी कमांड कैसे यूज़ करनी है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो आप थर्ड मोड में जाइए, लाइन कंसोल 0 के अंदर जाकर अब लॉगिन जो था पहले सिंपल, अब उसको आप क्या कर दीजिए लोकल। इसका फ़र्क समझिए ज़रा। अभी इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको और फुल फ्लैश्ड यूज़ करने के लिए अपने को बनाने होते हैं यूज़र नेम। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने एक यूज़र बना दिया मानव के नाम से और उसको पासवर्ड दे दिया लाइक 1234, डन। अब अगर आप डू शो रन करेंगे आपको एक यूज़र दिखेगा कि आपने ये कॉन्फ़िगर कर दिया है, ठीक है। एक और यूज़र बना दीजिए, मान लीजिए यूज़र नेम और दीप के नाम से, फिर इसको पासवर्ड हमने दे दिया 4321, डन। अब मान लीजिए इसका एक्सेस लेता है डिवाइस का कोई यूज़र फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको मैं एग्ज़िट कर दूँ एक बार क्योंकि ये रियल डिवाइस तो है नहीं। चलिए इसको मैं बंद करता हूँ, यहाँ से कंसोल केबल से एक्सेस लीजिए ज़रा। तो दो यूज़र मान लेते हैं क्योंकि दो हमने बनाया ना पासवर्ड। चलिए तो एक बार तो ये कंसोल लेता है, देखो, ठीक है। अब इस पर पुट्टी या फिर जो भी इमुलेशन सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो उस पर जाएंगे, रियल की बात कर रहा हूँ मैं, पैकेट ट्रेसर में तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब ये देखिए, आपसे पासवर्ड पूछा, पर उससे पहले नॉर्मली तो पासवर्ड मांगता, अब मांग रहा है यूज़र नेम, क्योंकि हमने लॉगिन लोकल किया है तो डायरेक्ट पासवर्ड की बजाय अब वो पूछेगा कि कौन यूज़र है जो यूज करना चाहता है। तो आपने बोल दिया कि बॉस ओके ये मानव है, डन। अब मानव पासवर्ड डालिए अपना ज़रा, एंटर। अभी आप इस राउटर में आ चुके हैं। तो इसकी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसके लिए अगर करना चाहें तो जस्ट एक बता रहा हूँ मैं भाई, अब क्योंकि अभी तो सिंगल राउटर है ना, तो वही कंसोल मिलेगी आपको, ये देखिए, ठीक है। तो जब आप एग्जिट करते यहाँ से, अब आप दूसरा यूज़र नेम डालते दीप, फिर उसका पासवर्ड अलग रहता। तो इस तरह से हर बंदा अपने अपने काम करता। इसका फ़ायदा ये है कि यस यूज़र एनोनिमस नहीं है, पर ये मैनेजेबल सॉल्यूशन नहीं है एंटरप्राइज नेटवर्क्स के हिसाब से, ठीक है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन आता है AAA मैनेजमेंट का, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट करने के लिए, राइट। तो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम, जो AAA सर्वर होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा मैं आपको कि वो कैसे काम करता है। वो पूछेगा कि हु इज़ द यूज़र, ठीक है, और फिर पूछेगा कि ये जो यूज़र है इसको कितने राइट्स हैं, ये क्या क्या कर सकता है। सिर्फ फर्स्ट मोड की कमांड रन कर सकता है, सेकंड में जा सकता है, क्योंकि अगर सेकंड में जा सकता है इट मीन्स कि वो काफ़ी कुछ राउटर को रिस्टार्ट तक भी कर सकता है, ठीक है। तो वो आपको सोच समझ के
देना है राइट्स किस यूजर को कौन से देने हैं, और फिर फाइनली वो ये भी रिकॉर्ड कर सकता है, लॉग फाइल्स जनरेट कर सकता है कि उस यूज़र ने उस पर्टिकुलर टाइम विंडो में क्या किया था, राइट, कि आप बाद में ताकि उसको ट्रेस कर पाओ अगर कोई इशू आता है तो। ठीक है, चलिए, तो दो तरह के सर्वर आते हैं, एक सिस्को का प्रोप्राइटरी है आपका और एक ओपन सोर्स है, राइट। तो ये स्लाइड में मैंने डाला, एक बार देख लीजिएगा ज़रा। तो ऐसा कुछ काम मिलेगा नहीं आपको जिसमें सिस्को अपनी टांग ना घुसा रही हो। हर जगह आप देखिए सिस्को की प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल आपको मिलेगी ही मिलेगी, है ना। चलिए, तो ये देखिए, ये काम है जो करता है ट्रिपल ए सर्वर। यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया स्विच के साथ, पर ये ज़रूरी नहीं है, ये सेंट्रल लोकेशन पे रखा रहेगा और समहाउ वो कनेक्ट रहेगा आपके डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है, मैनेजमेंट वीलैन और उस सब के थ्रू। चलिए जी, तो ये देखिए, अगर बोलता है कि भाई मैं यूज़र, जैसे मैंने बताया ना अभी एग्जाम्पल, ये यूज़र से अलग अलग यहाँ पे दिस वन है ना, तो ये पूछता है कि मेरे को एक्सेस चाहिए, और स्विच पूछेगा कि हु आर यू, आप कौन है, ये कहेगा कि मान लो आई एम मानव, मैं मानव यूज़र हूँ, ये इससे पूछेगा फिर, ठीक है, कि ये मानव है क्या, ये आपके पास है इसका डाटाबेस, ये कहेगा ओके, तो एक्सेप्ट करो और इसको क्रेडेंशियल्स दे दो, ओके, कनेक्ट कर सकते हो। अगर इसके डाटाबेस के अलावा कोई और ट्राई करता है तो वो उसको इजाज़त नहीं देगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा ऑफर उसका, राइट। तो ये ऐसे काम करता है आपका ट्रिपल ए सर्वर। चलिए, अभी हम बात करते हैं डेवलपिंग अ सिक्योरिटी प्रोग्राम टू एजुकेट यूजर्स। देखिए, टेक्निकल स्टाफ भी है पर नॉन टेक्निकल स्टाफ ज़्यादा है आपके एंटरप्राइजेस के अंदर। एक क्लर्क है जो डाटा एंट्री का काम करता है, डेटाबेस को मैनेज करने वाले लोग हैं, आपके सेल्स के लोग हैं, आपका मार्केटिंग, एचआर, ट्रेनिंग, बहुत सारे तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जिनको सर्वर रूम से, राउटर, स्विच, फायरवॉल से कोई लेना देना ही नहीं है। अब उनको क्या फ़र्क पड़ता है, अब जैसे वो क्लर्क का एग्जाम्पल लें हम, उसको क्या फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, और जो आपका मार्केटिंग वाला बंदा है उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या सर्वर और क्या सब कुछ है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी, और इवन है ना ये कि जो टेक्निकल लोग भी हैं वो भी गलतियां कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि वो जो एक्शंस लेने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होने वाले हैं ना। जैसे आप देखिए, सब ह्यूमंस हैं, ह्यूमन इमोशंस पे ही काम करते हैं, तो अगर कोई एक ऐसी मेल आए जिसमें उनके वारंट की बात हो तो घबरा जाएगा ना बंदा, या फिर ऐसा कुछ लिखा हो कि आपने जो जो भी गलत गड़बड़ी की है उसका ये कुछ होने वाला है, ठीक है, वो क्यूरियस हो जाएगा बंदा, उसको मेल के लिंक को खोलने की कोशिश करेगा, और उस लिंक में होगा फिर हार्मफुल, आपको किसी वेबसाइट पे लेके जाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपके पीसी में बैकडोर की एंट्री क्रिएट करेगा, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, राइट, जो सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है पूरे नेटवर्क, पूरे एंटरप्राइज की। तो यस, इसलिए उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, तो इसी वजह से जितने भी कॉरपोरेट हाउसेज हैं हर जगह आपके सिक्योरिटी प्रोग्राम्स बनते हैं, और वो हर जगह, हर यूज़र, हर एंड पे पहुंचाए जाते हैं, ताकि जो पूरा स्टाफ है, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, सारे सिंक कर सकें और पूरे नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए काम कर सकें, ठीक है। तो यूजर्स को अवेयर करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, ठीक है, और फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के लिए आप मान लो जैसे बैज का एक्सेस देते हो कि भाई जिसके पास पास होगा वही किसी सर्वर रूम में या एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जा सकता है आपका, ठीक है। तो ये देखिए जरा एक बार, ऑल यूजर शुड बी मेड अवेयर ऑफ द नीड फॉर डाटा, मीन्स हर किसी को आपको बताना पड़ेगा। अब जैसे एक क्लर्क है बेचारा, कोई मान लीजिए जिसका काम सिर्फ क्या डाटा एंट्री का है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि भाई सर्वर क्या है और आपका डाटा इतना इंपॉर्टेंट, उसको तो अपना कंट्रोल, कॉपी, पेस्ट, सेव और ये सब कुछ है ना, डाटाबेस मैनेज करना। आप देखिए, ये अब जिम्मेदारी किसकी बनती है, नेटवर्क इंजीनियर्स की, वो आपके सिक्योरिटी इंजीनियर्स की, पॉलिसीज बनाइए, राइट, और मैनेजर्स होने के नाते, मैनेजमेंट में होने के नाते जो मैनेजमेंट्स है उनका फ़र्ज़ है कि वो थ्रू आउट कंप्लीट नेटवर्क एडवर्टीज करें उस पूरी पॉलिसी को, सारी ब्रांचेज के अंदर, हर तरह के डिपार्टमेंट के अंदर, हर जगह। मीन्स आपको, आपने इवन देखा भी होगा कि पोस्टर टाइप के लगे रहते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसीज लिखी रहती है कि ये डूज, दिस इज डोंट, ये करिए, ये मत करिए। आप कहीं पे भी जाइए किसी भी तरह के नेटवर्क में, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ डिवाइसेस, जिस तरह के आप यूज कर रहे हैं या फिर जिस तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, मान लीजिए जैसे डाटा सेंटर है वहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होते हैं, नॉर्मल एक नेटवर्क है मे बी कि वहाँ पे नहीं होगा इतना, जो स्कूल है और कॉलेजेस हैं, बैंक होगा, आप देखो बैंक में ज्यादा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मिलेगी आपको, राइट। तो यस, ये सारी चीजें हैं, और क्या चीजें बतानी है ज्यादातर कि भाई किन चीजों से, किस तरह के लिंक्स से, किस तरह के लोगों से आपको बचना है, खतरा हो सकता है। सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बताना कि कैसे आपके कार्ड का मिसयूज हो सकता है, कैसे जो आपको वाईफाई पासवर्ड्स मिले हैं उनका मिसयूज हो सकता है, कैसे जो आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनका कोई मिसयूज कर सकता है, राइट। स्कीम्स हैं,
आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपको ल्योर कर सकते हैं, राइट? तो उससे आपको देखना है।